हाँ जी दोस्तों, तो फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूँ एकता अरोड़ा। तो लाइव जुड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं लोगों से। गुरुग्राम शहर में लोग लाखों की तादाद में यहाँ पे पहुँचे हैं। आखिर क्यों आए हैं? सफाई अभियान कर रहे हैं, गुरु जी की गैर मौजूदगी में भी ये सारे आज भी कार्य कर रहे हैं, आखिर क्यों? ये सारे सवालों के जवाब हम इनसे ही लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? नाम मेरा मास्टर बलविंदर सिंह जी है। सर, आप डेरा से कब से जुड़े हुए हो? हम मस्ताना जी के टाइम से जुड़े हुए हैं। बहुत लंबे समय से, जो इनकी गुरु जी की गुरुगद्दी जो स्टार्ट हुई थी, वहाँ से वो उनसे जुड़े हुए हैं। और आज तक का आपका कैसा सफ़र रहा है? जो गुरमीत जी हैं, गुरु गुरमीत जी हैं, उनका कैसा व्यवहार था, उनका कैसा जीवन था? मैडम, हमने तीनों पातशाहियों के, जैसे मेरे दादाजी दादी जी वो मस्ताना जी से जुड़े हुए, फादर वगैरह वो अपने परम पिता जी से जुड़े हुए, हमने हजूर पिता जी से नाम लिया है। तो हम एक छोटे, बहुत छोटे जिम्मेदार थे, और आज उस सतगुरु तीनों पातशाहों जी की रहमत से हम बहुत बड़ा काम है। आज भी आपका विश्वास वैसे ही जुड़ा हुआ है? मैडम, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि गुरुजी थे, लेकिन अब चलो है तो हमारे साथ ही, लेकिन चलो देर रूम में हमारे साथ नहीं है। तो हम उस चीज़ को और जिम्मेदारी से, गुरुजी के दिए हुए जो मान मुतबला ही करें, हम उससे और जिम्मेदारी से ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी की जो शिक्षा है वो हमारे को मिली हुई है। उस वजह से हम आज, जैसे गुरुग्राम में सफाई बहन है, तो हम वहाँ से बढ़ चढ़ कर, आज जैसे संडे भी है, हम अपनी जॉब से मतलब छुट्टी है, तो उस वजह से हम पूरा परिवार आए हुए हैं, क्योंकि गुरुजी ने हमारे को सिखाया भी। डेरा की तरफ से, गुरुजी की तरफ से ये आपको भेजा जाता है किराया भाड़ा देके, या खुद से आप आते हो? नहीं नहीं मैडम, ये हम अपनी तरफ से, हम अपनी नेक कमाई में से सब किराया, खान पान अपना साथ, जो कुछ भी है, मतलब डेरे की तरफ से या गुरु की तरफ से हमारे को कोई ऐसा ये नहीं है जी ये लेके जाओ, हम अपनी तरफ से। उनका तो उपदेश है भी आपने मान मता भलाई के काम करने हैं लोगों को, ये एक सफाई का काम नहीं है मैडम। बहुत ज़्यादा 136 मान मता भलाई कार्य चल रहे हैं, जैसे गरीब बच्चों की शादी करवाना, मकान बना कर देना, और बहुत सारे हैं, जैसे विकलांग को ट्राई साइकिल देना, वो गुरुजी की शिक्षा के मतलब तहत ही हम ये कार्य कर रहे हैं। आज भी वो सारे कार्य ऐसे कर जी जी उससे भी बढ़ के, जैसे हाँ बढ़ के, शायद गुरुजी गए हैं तो 132-133 थे, आप तो शायद 138 कार्य है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे को, जैसे गुरुजी की चिट्ठी आई, उसमें होता है बेटा जैसे कोरोना टाइम था, तो उस वजह से है, तो हम वो कार्य गुरुजी के उपदेश से कर रहे हैं। कोरोना टाइम में इनका विश्वास, इनका जो आस्था आज भी जुड़ी हुई है। एक और बुजुर्ग है यहाँ से, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? NR राणा, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, हरियाणा। तो आप यहाँ पे आए हो एक सफाई अभियान में, आपका कैसा यहाँ का इन्वायरमेंट है, कैसा प्रोग्राम है आज पूरे दिन का? बहुत बढ़िया है, बल्कि संगत ज्यादा है, सेवा थोड़ी मिल रही है। संगत ने 2 घंटे में ही सारा को चकाचक कर दिया, अब तो उठाने उठाने वाला ही काम बाकी है। हम भी देख पा रहे हैं कि कैसे इन्होंने कूड़े के ढेर भी लगा दिए। इन्होंने 9 बजे कार्य शुरू किया था, ये सेवा जो इनकी कह रहे हैं 9 बजे शुरू की थी, और आई थिंक 12 भी नहीं बजे इनका ये पूरा इन्होंने सफाई कर दिया इस एरिए की। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लाखों की तादाद में, ये छोटे सा एरिया यहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं, हम कवरेज कर रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं, जगह कम पड़ रही है, इन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इससे पता चलता है कि बाबा जी के करोड़ों के अनुयायी हैं, हमें सामने देखने को मिल रहे हैं आज। सर, आप यहाँ पे पहुँचे हुए हो, तो आप बाहर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? हम गुड़गांव के लोगों को ये मैसेज है कि जैसे आज साफ कर दिया गया है, इसको अपने आस पड़ोस को ऐसे ही साफ रखें, ताकि बीमारी दूर भागें, कोई सब स्वस्थ रहें, और परमार्थ करें ज़्यादा से ज़्यादा, किसी गरीब की सेवा करना है और करना है, कुछ भी है, इलाज करवाना है। इन लोगों के जो मैसेज जो है, वो भी बाबा जी ने जो इनको सिखाया है, दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, वही जो आगे मैसेज देना चाहते हैं, इसीलिए ये प्रॉपर उसी फ्लो में आज भी लोगों को मैसेज दे रहे हैं। आप डेरा में आते हो, डेरा में जाते हो, तो आपकी क्या कहना है कि बाहर सरकार को क्या मांग करना चाहोगे कि आप रेगुलर बाबा जी के लिए? हम तो यही चाहते हैं हमारे गुरु जी को डेरे से बाहर निकालें, ताकि संगत उनके दर्शन का कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा मानवता भलाई के काम कर सके। तो बाबा जी ने ऐसे, बाबा जी की ज़रूरत क्यों लगती है आपको, कि समाज में बाबा जी को, बुराइयों को रोकने के लिए बाबा जी की ज़रूरत है? देखिए, जो 138 मानवता भलाई के कार्य हैं, उनकी प्रेरणा से ही चल रहे हैं, जिसमें वेश्याओं से भी युवक शादी करवाने के लिए तैयार हैं, इससे बड़ी और क्या बात होगी। किसी गरीब की शादी है, किसी बीमार का इलाज है, जैसे कोरोना काल में भी मुफ्त दवाइयाँ दी गई, मास्क दिए गए, सैनिटेशन दिए गए, तो बहुत कुछ किया गया,
ये नहीं है कि यहीं पर बंद है या गुरु जी अंदर हैं, तो उससे कोई फैक्ट नहीं पड़ा है। दोस्तों ये लाइव फैक्ट्स हैं, द फैक्ट है कि पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है, कैसे ये लोग आज भी गुरुग्राम को पूरा अच्छे से क्लीन करने में जुटे हुए हैं। ये लोगों का आज के पूरा दिन का टारगेट है कि पूरा गुरुग्राम शहर है उसको क्लीन कर देंगे। आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।